दोस्तों क्या हुआ जब अयोध्या पहुंचा सैकड़ों नागों का झुंड? आखिर भगवान श्री राम का नागों के साथ क्या संबंध है? आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे नाग एक के बाद एक अयोध्या में कैसे निकल रहे हैं, वो भी अलग अलग प्रजाति के? दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले श्रद्धा से सच्ची सनातनी वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख देना। दोस्तों 22 जनवरी सोमवार के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार देशवासियों को बेसब्री से है। श्री राम के भव्य स्वागत के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। दोस्तों यह तारीख कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई महत्वपूर्ण राज भी छुपे हैं। दोस्तों क्या आपने सोचा है कि आखिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का समय ही क्यों चुना गया? दोस्तों क्या हो सकता है इसके पीछे का रहस्य? त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अवजित मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन नक्षीस नक्षत्र में अवजित मुहूर्त का सहयोग बन रहा है। यही कारण है कि इस तिथि को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। दोस्तों जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अलग अलग प्रजाति के नाग अचानक अयोध्या में पहुँच रहे हैं। अयोध्या वासियों के लिए यह खतरा तो बनते जा ही रहे हैं, लेकिन यह अचंभित कर देने वाली बात भी है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इनमें से दो प्रजाति के नाग अलग अलग क्षेत्र में बार बार निकल रहे हैं, जिनका संबंध बासुकी और तक्षक नाग से जोड़ा जा रहा है। कहा यह भी जाता है कि प्रभु श्री राम के भाई यानी लक्ष्मण साक्षात अनंत शेष नाग का रूप है, और बासुकी तक्षक और शेष नाग तीनों ही आपस में भाई हैं, जिसमें तक्षक और बासुकी नाग पाताल लोक में निवास करते हैं और शेष नाग बैकुंठ में भगवान श्री विष्णु की सेवा करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण यानी शेष नाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, तो क्या शेष नाग के दोनों भाई पाताल में से उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं? यह रहस्य बहुत ही बड़ा है, क्योंकि अयोध्या के क्षेत्र में जब एक सांप को पकड़कर सुरक्षित इलाके में छोड़ा गया, तो वही सांप पुनः राम मंदिर परिसर में भी देखा गया, जिससे कई बार मजदूरों को भी काम करने में भय महसूस हुआ। परंतु श्री राम का नाम उन्हें हिम्मत देता रहा। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में नाग देवता का अचानक प्रकट होना एक चमत्कार से कम नहीं है। ये हिंदुओं के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमने एक ऐसे देश में जन्म लिया जहां स्वयं प्रभु श्री राम अवतरित हो रही हैं। दोस्तों आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।